नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक दोस्त की और एक नया ऑफिशियल वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वीवो V9 के बारे में। दोस्तों, वीवो ने अपना नया फ़ोन लॉन्च कर दिया है, वीवो V9 और वीवो V9 प्लस। वीवो के इस बार का जो फ़ोन है भाई, प्राइस तो एकदम सेम है, V7 से एकदम सेम प्राइस है और कुछ स्पेसिफिकेशंस किए हैं दोस्तों। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग, यू आर वॉचिंग टेक दोस्त या वीवो। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, वीवो V9 प्लस में 4 GB रैम है, 64 GB इंटरनल स्टोरेज है, जिसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं 256 GB तक। और इस फ़ोन में काफ़ी सारे नए नए स्पेसिफिकेशंस किए हैं वीवो ने, जैसे कि इस फ़ोन में पूरा आईफोन से पूरी तरह से फ़ोन इंस्पायर्ड है। और ये फ़ोन के इतना आईफोन से एकदम ही मिलता जुलता, मतलब कह सकते हैं आईफोन का एक कॉपी है ये फ़ोन, पूरी तरह से आईफोन से इंस्पायर्ड है। इसमें फेस अनलॉक भी है और यहाँ तक तो भैया वॉलपेपर भी आईफोन का इन लोगों ने यूज़ किया है। 4 GB रैम है भैया। और इसमें एक और अच्छी बात वीवो ने यूज़ की है कि भैया इसमें एंड्रॉयड का 8.1 वर्जन का ऑडियो का वर्जन है, तो काफ़ी अच्छी बात है, लेटेस्ट एंड्रॉयड आपको इस फ़ोन में मिलेगा। और भाई कैमरा का तो ये भाई मालिक है ही, 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको इस फ़ोन में मिलेगा। पीछे में आपको डुअल कैमरा मिलेगा, उसका मेगापिक्सल काउंट होगा कुछ 16 मेगापिक्सल का और दूसरा कैमरा 11 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों, अभी वीवो ने अभी ये फ़ोन लाया है तकरीबन 22,000 में और इस बार वीवो ने बजट काफ़ी बढ़ाया है भाई। आमिर खान को इस बार रखा है वीवो ने ब्रांड एम्बेसडर भाई, बहुत बढ़िया। अब भाई बात करते हैं वीवो V7 और वीवो V9 के बारे में, कंपैरिजन भाई। प्राइस सेम है, फ़ोन दोनों बहुत ही काफ़ी अलग है एक दूसरे से। तो मैं वीवो V7 तो खैर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा उसका सेल हुआ नहीं भाई, कुछ खास सेल नहीं हुआ V7 का, क्योंकि वो खैर वो फ़ोन में वो दम था भी नहीं। लेकिन इस बार सेम प्राइस में वीवो ने थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाया है, तो ये एक बात अच्छी लगी मुझे। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों, वीवो V9 में क्या ऐसे चेंजेस किए हैं वीवो ने जो V7 में नहीं थे। अब इसमें लेटेस्ट ये स्नैपड्रैगन 626 शायद, हाँ स्नैपड्रैगन 626 का यूज़ किया है वीवो ने। और भी अच्छे अच्छे चॉइस थे भाई, 630 था, 636 था, 660 था, क्या स्नैपड्रैगन 626 तब भी ठीक है, अच्छा ओके प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन, कम से कम प्रोसेसर भाई उतना इन लोगों ने भाई कि अच्छा किया है। हालांकि और अच्छा कर सकते थे, पर एक बढ़िया सेटिस्फाइंग फ़ोन है। अब बात 4 GB रैम है, चलो बढ़िया बात है, 4 GB रैम है, 64 GB इंटरनल स्टोरेज है, 256 GB तक एक्सटेंड किया जा सकता है मेमोरी कार्ड की मदद से। V7 में ऐसा नहीं था भाई, वो उतना 256 कम ही था, कर सकते थे एक्सटेंड, पर 256 GB नहीं था, शायद जहाँ तक मुझे लगता है 128 GB था शायद वीवो V7 में, पर इस बार 256 GB तक एक्सपांड किया जा सकता है। लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन जैसे मैंने आपको बताया, आपको 8.1 ऑडियो का मिलेगा। और इस फ़ोन में आपको भाई यही है आईफोन के कुछ बेसिक फीचर्स भी, जो फेस अनलॉक वगैरह हैं जो वीवो बताता है काफ़ी सिक्योर है। और बस यही है इस फ़ोन के बारे में, क्या बोलूँ और मैं कुछ अभी। अब बात हम करते हैं दोस्तों वीवो के जो है, काफ़ी मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसा बोलते हैं कि वीवो ऐसा है, वीवो वैसा है, वीवो के बहुत मतलब ऐसा कर रहा है कि खाली सेल्फी पे ध्यान दे रहा है, बिल्ट इन बिल्ट अच्छा नहीं है फ़ोन का। एटलीस्ट हमको वीवो को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए कि भाई चलो सेम प्राइस रेंज में थोड़ा पिछले वाले से बेहतर फ़ोन लाया, पिछले वाला ऐसा, ये वीवो V9 थोड़ा ऐसा, मतलब बढ़िया है, थोड़े इम्प्रूवमेंट किए हैं, थोड़ा और 22,000 में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था, लेकिन एट एन एवरेज तभी वीवो फ़ोन बढ़िया है। वीवो का भी हम देखें दोस्तों, आईफोन से पूरी तरह से इंस्पायर, जो लोग 1-1 लाख का आईफोन नहीं ले पाते वो एटलीस्ट वीवो का फ़ोन लेके कम से कम आईफोन वाला फील तो पा पाएंगे। अब जहाँ तक इसकी बात है भाई, UI फाउंड टच OS का इनका UI है वीवो का, और पूरी तरह से आईफोन जैसा ही है, जैसे आप जानते हैं लुक भी आईफोन जैसा है, और उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो भी पूरी तरह से आईफोन से ही इंस्पायर्ड है। ऐसा एक टाइम मैंने फ़ोन को यूज़ किया, वो फ़ोन मैंने हाथ में जैसे लिया, मुझे लगा आईफोन ही हाथ में लिया है, एकदम पूरा सेम आईफोन जैसा ही लुक है। और काफ़ी सारे सेटिंग्स का भी जो UI है वो आईफोन जैसा है, हालांकि है ये एक एंड्रॉयड फ़ोन। वीवो ने अभी इस फ़ोन में गलती क्या की है दोस्तों, ये फ़ोन और भी बेहतर हो सकता था। दोस्तों वीवो ने अभी इस फ़ोन में गलती क्या की है कि ये फ़ोन में वीवो और बेहतर फंक्शन ला सकता था। जैसे वीवो ने अभी काफ़ी सारे नए नए चीज़ें भी लाई हैं, जैसे फुल व्यू डिस्प्ले था, अंदर से कैमरा निकल जाता सेल्फ़ी खींचने के लिए, वो काफ़ी अच्छी बात थी। दूसरी बात है
जो स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है वो एक बहुत नया इन्वेंशन था। तो 10 GB रैम का एक नया फ़ोन वीवो लॉन्च करने वाला है, तो ये सब नई नई चीज़ें वीवो कर, अच्छी बात है ये। लेकिन वीवो इस फ़ोन में गलती ये कर बैठा है कि इस फ़ोन में पूरी तरह से आईफोन नहीं, एटलीस्ट अपना खुद का तो ज़रा कुछ रखना चाहिए था वीवो को, एटलीस्ट वीवो को अपना थोड़ा सा तो चेंजेस करना चाहिए। जैसे सैमसंग का अपना UI है, मोटोरोला का अपना UI है, और शाओमी का अपना UI, शाओमी तब भी एक तरह से थोड़ा बहुत यही है आईफोन जैसा ही है, लेकिन तब भी देखा जाए तो शाओमी का एटर सबका अपना अपना UI। तो वीवो पूरी तरह से आईफोन को कॉपी करे ये सही नहीं, एटलीस्ट वॉलपेपर भी आईफोन का ये तो थोड़ी गलत बात है। पर चलो कोई बात नहीं, वीवो ने तब भी इस फ़ोन में काफ़ी सारे नए नए चेंजेस किए। हाँ, मुझे फ़ोन मैंने यूज़ करके देखा है तो ये फ़ोन इतना ख़राब नहीं है, दिस फ़ोन इज़ क्वाइट बेटर। और ये फ़ोन पिछले वाले फ़ोन से तो बहुत ही बेहतर है भाई, सारे बेसिक सेंसर भी आपको इस फ़ोन में मिलेंगे, UI बहुत बढ़िया है, और ये सारे टेस्ट से पास हो चुका है। मेन ये वाटर टेस्ट से भी पास हो चुका है भाई, इसको पानी में भी डालेंगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं बन पड़ेगा। S9 में भी ये बात है। तो देखा जाए तो एट अ कंपनी में 20-22 हज़ार में आपको एक बढ़िया अच्छा फ़ोन आपको मिल जा रहा है वीवो का। अब कुछ लोग हैं भाई, बड़े बड़े यूट्यूबर से काफ़ी सारे जो ऐसा कह रहे हैं भाई वीवो ख़राब है, ये है वो है, बल्कि वो सैमसंग के लिए कभी ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। सैमसंग आईफोन ये सब फ़ोन्स के बारे में ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, क्यों भाई? नाम है, नाम बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं है दोस्तों। वीवो भले ही मैं मानता हूँ भाई सेल्फ़ी की परंपरा है उनकी, सेल्फ़ी को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेल्फ़ी तो अच्छी है ही उनकी, लेकिन अब काफ़ी सारे मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद वीवो का फ़ोन यूज़ करता हूँ, मैंने भी देखा है वीवो का फ़ोन है थोड़ा प्राइसी है, थोड़ा खर्चीला फ़ोन है, 60 रुपये की चीज़ को 80-90-100 रुपये में बेचता है, लेकिन एट एन एवरेज देखा जाए तो फ़ोन, ये जो नया फ़ोन अभी लॉन्च किया है वीवो ने, ये फ़ोन बाकी पहले के फ़ोन्स के वीवो के जो थे उससे कहीं गुना बेहतर है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर दबाएगा, और नीचे सब्सक्राइब सर माफ़ कीजिए नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए मैं दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नए फ्रेश वीडियो में, बाय बाय।